देकर क्यों ना उसको हम लोग उत्सव में कन्वर्ट करें, दुख के जगह किस में कन्वर्ट करें, कहते हैं ना किसी को धो तो दुखी ना धो तो दुखी, लेकिन ईश्वर उसी का सुनता है जो चलती चिता में बैठकर भी वीणा बजाता है। होली हो या दिवाली हो, होली हो या दिवाली हो, सदा मतलब मातक मनाते हैं, पर दुनिया उन्हीं की रागनी में झुकती है जो चलती चिता में बैठकर भी वीणा, जो चलती चिता में बैठकर भी वीणा बजाते हैं, खुश होते हैं। सत्य है, मृत्यु से ज्यादा दुख तो संसार में है, वहां तो मुक्त होने वाले आया ना, ना बेटे को देखना है, ना कर्जे को देखना है, ना पैसों को देखना है, ना पाड़ी को देखना है, ना खेत खलिया को देखना है, वहां तो मुक्त होने वाले हैं। और जन्मे तब से मृत्यु की तरफ हम लोग एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं, कोई 70 साल तक इंतजार करता है, कोई 50 साल तक इंतजार करता है, पर मुझसे अगर कोई पूछे ना तो मृत्यु से अच्छी चीज दुनिया में दूसरी नहीं है, कैसे मृत्यु से अच्छी चीज दुनिया में दूसरी नहीं है, क्योंकि वहां मुक्त होने वाले संसार में आए हैं, तो ये तो खेला लगा हुआ है, इसका उसका खेला है, इस जन्म से उस जन्म में जाने के लिए मृत्यु के दरवाजे को पार करके जाने पड़े। योगी हो या भोगी हो, संत हो या महात्मा हो, जब आ ही गए हो तो जन्म मरण को क्या करना पड़ेगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मैंने कहा ना एज के हिसाब से कम सुनाई देता है, जोर से बोलो, क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिसको स्वीकार करना पड़ेगा तो उसको कहेंगे, मैंने तो तय कर लिया है कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है, दिन निश्चित कर लिया है मैंने। आप सोचोगे हमारे पास आज तक जो जो लोग बोल रहे हैं वो जीवन की बात करते हैं तो हमें मृत्यु का और डर बन जाता है, लेकिन मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ, मैंने तो जीवन में तय कर लिया है कि मुझे कब कहाँ कौन सी घड़ी में मरना है, मेरा मृत्यु तय हो चुका है। और कई सारे संतों ने ये पब्लिक में अनाउंस किया था कि इस घड़ी में हम प्राण छोड़ेंगे और उसी घड़ी में प्राण निकले थे, क्योंकि वो चिंतन कर रहा था, संकल्प किया उसका। आप भी संकल्प कर लीजिए, कब बनना चाहते हो, संकल्प करो मुकेश भाई, कब बनना चाहते हो, कहाँ बनना चाहते हो, बीवी की गोद में, मना करना भी चाहते, माँ की गोद में, बीवी की गोद में, परमात्मा की चौकट में, कहाँ मरना चाहते हैं तय कर लीजिए। यकीन मानिए एक घड़ी इधर से उधर होने वाली नहीं है, ये संकल्प है, मरना तो तय है पर लिख लीजिए कि कहाँ मरना है करके, यकीन मानिए घड़ी इधर से उधर होने वाली नहीं है। रोज आपको सोने से पहले परमात्मा से कहना, क्या कहना, कल मुझे बड़ा भाव मिला दे, संसारी लोग ऐसी बात करते हैं, परमात्मा से कहना कि कल सुबह का तो मुझे सूरज दिखाए ना दिखाए मुझे पता नहीं है। अरे आपकी बात क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि कल का सूरज दिखेगा नहीं दिखेगा, कल का सूरज मुझे दिखाए ना दिखाए ये तय नहीं है, पर आज आंखें बंद करने से पहले उन लोगों से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ जिनको मैंने अपने जीवन में तकलीफ पहुंचाई, मेरे वाणी से, मेरे एक्शन से या मेरे विचारों से। अगर तूने मुझे कल मौका नहीं दिया तो मुझे आकर उसकी चाकरी करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। अगर तूने मुझे कल मौका नहीं दिया तो आगे बंद करने से पहले पहले बोल दीजिएगा कि मैं सबसे कर्जे से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे आकर उसके जीवन में कर्जा फेरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सेवा करे ना अपने बच्चे की, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, एक दिन हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। पकड़ो बाजू वाले का हाथ, पकड़ो बाजू वाले का हाथ, बाजू वाले का हाथ पकड़ो और बोलो, होंगे कामयाब, पकड़ो बाजू वाले का हाथ, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, खुश रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, और जो जैसा होता है उसको, जो जैसा होता है उसको, जो मैंने आपको समझाया है ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी और को समझाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, किसी को समझाना, उसको समझाना, जो जो आ जाए उसको समझाए। अगर एक वाणी से भी अगर खुश हो जाए तो हमारा बोलना क्या हो जाए, परमात्मा आपको जितने भी आयु दे, खुश होकर दे, स्वस्थ के साथ बिताए और मस्त बिताए, इसी उस प्रभु से प्रार्थना करते हुए, मेरे वाणी को सुनने के लिए,
मेरे वाणी को सराहने के लिए और जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया था। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस वाणी है, मेरे पास छोटा सा ज्ञान है। इस ज्ञान को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। मस्ती में रहे, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुमा। थैली में से एक एक करके अलग निकाल दो।